गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी स्टार्ट आर क्वेश्चन नंबर 4. राइट द फॉलोइंग नंबर इन वर्ड्स. पहले हम क्या लिखेंगे, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड. ठीक है, और इसमें क्या करना है, जो टेन वाला प्लेस होता है ना, उसको साथ में कोई मतलब वंस के साथ ही लिखना होता है, मतलब साथ वाला नंबर इकट्ठा ही बोलना होता है, और थाउजेंड और हंड्रेड को डिफरेंट अलग अलग बोलना होता है. ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, 1000. अब हंड्रेड के प्लेस पे कुछ नहीं है तो उसको छोड़ देना है. अब टेन को वंस के साथ ही बोलना है, तो क्या आएगा, 94. ऐसे सेम वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड. और थाउजेंड को अलग बोलना क्या बनेंगे, 2000. अब हंड्रेड को क्या बोलेंगे, 600. और टेन वाले को वंस के साथ ही बोलना हो तो क्या बोलेंगे, 71. ऐसे नेक्स्ट है वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, तो इसको क्या बोलेंगे, 2000. 800. 90 क्या होता है, 90. ठीक है, नेक्स्ट वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 3000. 300. और टेन वाले प्लेस को इकट्ठा बोलना तो इसको क्या बोलेंगे, 44. ये ई और एफ आपका होमवर्क है. नाउ फिफ्थ क्वेश्चन इज 1196. अब इसमें तो हमने करना था नंबर नेम्स करने थे इसके. अब इसके क्या बनाने, न्यूमरल्स बनाने, मतलब इंग्लिश वाले जो है ना हमारे नंबर नेम्स, उसको मैथ्स की लैंग्वेज में लिखना है. तो पहले क्या लिखेंगे, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, इसको डॉट से लिख लेंगे क्योंकि हमने इसको भरना है. अब थाउजेंड का क्या दिया है हमें, 1, तो थाउजेंड के भी यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 1. हंड्रेड कितने दिए हैं, 1 लिख देंगे. और ये क्या है, 96, तो 96 यहाँ पे आ जाएगा. ऐसे सेम वन, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, ऐसे डॉट्स डाल देंगे तो थाउजेंड कितने हैं, 2 हैं. हंड्रेड कितने हैं, 3 हैं. और ये क्या है, 57, तो 57 यहाँ पे पुट कर देंगे. ऐसे ही ये सेम है तो क्या करोगे, 3561. तो क्या आएगा, थाउजेंड के कितने, 3 हैं. हंड्रेड कितने, 5 हैं. ये 61 है. तो अभी क्या करो, ये डी ई आप होमवर्क कर लो और एफ में करवा देती क्योंकि ये थोड़ा डिफरेंट है. एफ में क्या अपने लिखेंगे, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड. अब थाउजेंड कितने हैं, 9 डाल लिया. अब हंड्रेड का हमें दिया नहीं तो हंड्रेड वाले प्लेस को छोड़ देना है, तो यहाँ पे क्या भरेंगे, 95. तो यहाँ पे कुछ नहीं है, डॉट खाली पड़ा, तो वहाँ पे क्या लगा देंगे, 0. मैंने डॉट इसलिए लगवाए थे ताकि कोई भी हमें हंड्रेड या थाउजेंड प्लेस, किसी का प्लेस नहीं दिया होगा तो वहाँ पे ब्लैंक रह जाएगा, वहाँ पे हम क्या लगा देंगे, 0. अगर हम डॉट नहीं लगाएंगे तो आप 0 लगाना भूल जाओगे, 995 लिख देते, इसलिए मैंने डॉट लगवा के आपको ये पूरा अच्छी तरह करवाया है. ना क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट कम बिफोर, बिटवीन, आफ्टर. तो बिफोर वाले क्या करने हैं, मतलब लास्ट टू को चेंज करना होता है, आगे वाला वैसे लिख लो, 85. तो 74 से पहले क्या आता है, 73. ऐसे ये है, 24 हम लिख लेंगे. 60 से पहले क्या, 61 से पहले क्या आता है, 60. लास्ट टू का देखेंगे, 38 ऐसे देख लेंगे. 90 से पहले क्या आता है, 89. ये आपका होमवर्क खुद करोगे. बिटवीन आपको वही लास्ट टू डिजिट के बिटवीन देखना है. 64 को हम ऐसे लिख लेंगे, 21, 22, 23 बन गया. ऐसे ये है, 32 को लिख लेंगे, 98 के बाद क्या आता है, 99. वैसे ये 75 ऐसे लिख लेंगे, 25, 26, 27. ये आपका होमवर्क है. आफ्टर मतलब बाद, तो फर्स्ट तो ऐसे लिख लेंगे फर्स्ट, और सेकंड वाला 27 के बाद क्या आता है, 28, 56, 37, 71, 36. थैंक यू.